हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टाइटल्स। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है टेंस, यानी काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। गाइस, आज हम जानने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, यानी वर्तमान काल के बारे में। सो वर्तमान काल के भी 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आइए इनके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू शो वंस हैबिचुअल एक्शन, जनरल ट्रूथ एंड प्रेजेंट मूवमेंट। दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ इसलिए होता है ताकि हम शो करें हैबिचुअल एक्शन, जनरल ट्रूथ, जो हमेशा सच रहते हैं, यानी उस वो बदल नहीं सकते कभी, और प्रेजेंट मूवमेंट, यानी जो वर्तमान में हो रहा है। दोस्तों, इसका एक रूल होता है जिसके हिसाब से हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। तो रूल देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके लिए मैंने एग्जांपल रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एग्जांपल में आप देखिए, आई डू नॉट रन, मैं दौड़ता नहीं हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी डू। डू हमारी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और नॉट रन हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट, और ये हमारे रूल से बिल्कुल मैच कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन विच इज हैपनिंग टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग। फ्रेंड्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसे टेंस होते हैं जिनका यूज़ एक ऐसे कार्य को दिखाने के लिए किया जाता है जो सिर्फ बोलने के समय तक हो रहा हो। इसका रूल जो होता है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप इसका एग्जांपल देखिए, आई एम गोइंग टू दिल्ली। इसमें आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इज एम आर में से हमने ले लिया है एम, और गोइंग, सबसे पहले गो को देखिए, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लस आई एन जी, इसके साथ हमने आई एन जी को ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया गोइंग। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट यानी टू दिल्ली, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे रूल से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जांपल हुआ। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे, हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस टेंस इज यूज टू शो एन एक्शन दैट इज फिनिश्ड राइट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। दोस्तों, ये टेंस ऐसी टेंसेज होते हैं जिनका यूज़ ऐसे कार्य को दिखाने के लिए किया जाता है जो बोलने के समय ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि आपने कुछ बोला, प्रेजेंट में बोला, लेकिन बोलने के बाद वो ख़त्म हो गया। इसका रूल देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप एग्जांपल देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सी हैज़ गॉन टू द मार्केट, वह मार्केट जा चुकी है, ये बोलते ही वो गई। अब आप इसको रूल से जोड़ के देखिए, रूल से मैच करके देखिए, क्या ये सही है? सी है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, हैज़ हैव में से हमने हैज़ उठा लिया। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है हमारी? गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, हमने वो ले ली। उसके बाद अब हम ऑब्जेक्ट लेंगे, टू द मार्केट। यानी ये एग्जांपल हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल से मैच कर रहा है, यानी ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज टू शो एन एक्शन बिगन समटाइम इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग टू द प्रेजेंट टाइम। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो टेंस होते हैं जो पास्ट से शुरू होते हैं और प्रेजेंट में चल रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका रूल जो है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल देख लीजिए आप, He has been working for an hour. वो एक घंटे से काम कर रहा है, एक घंटे पहले, पास्ट में शुरू किया था और प्रेजेंट में
काम करता आ रहा है। फ्रेंड्स, ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइस, पास्ट टेंस के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर वॉच ऑल वीडियोस। थैंक यू।